पिछले 13 दिनों में ही विद्यापति नगर थाने में बतौर थाना प्रभारी प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु डीएसपी अभय कुमार रंजन का प्रशिक्षण खत्म होने के पहले ही शनिवार को विद्यापति नगर थाने से दरभंगा के लिए उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान थाने से एसआई अरविंद कुमार सिंह ने प्रशिक्षु डीएसपी के प्रशिक्षण की सराहना करते हुए कहा कि प्रशिक्षु उपाधीक्षक काफी सुलझे भाव से पुलिस सेवा के कार्यकाल को पूरा किए। जिम्मेवारी मिलने के बाद प्रशिक्षु डीएसपी उन कार्य को गंभीरता पूर्वक पूरा करते थे। एएसआई शंभू कुमार सिंह ने कहा कि थाने के प्रभार में रहते हुए पुलिस अधिकारियों से बेहतर तालमेल रखकर ड्यूटी करते थे, जो एक उच्च अधिकारियों की पहचान होती है। मौके पर संजय कुमार सुमन समेत पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कोविड-19 को देखते हुए प्रशिक्षु डीएसपी को मिथिला पाक चादर देकर सम्मानित किया। संबोधित करते हुए प्रशिक्षु डीएसपी अभय कुमार रंजन ने कहा कि पुलिस ड्यूटी के दौरान जूनियर अधिकारियों को डांट फटकार और तालमेल रख कर कार्य निष्पादित कराए जाते हैं। कहा कि एक प्रशिक्षु डीएसपी होने के नाते विद्यापति नगर में उनका कार्यकाल काफी संतोषजनक रहा, खासकर थाने में बतौर थाना प्रभारी का कार्यकाल उनके लिए भूलना संभव नहीं है। हमें यहाँ कम समय में ही बहुत कुछ सीखने को मिला। थाने के अधिकारियों से लेकर पुलिस चौकीदार तक का पूरा सहयोग मिला। क्षेत्र की जनता भी काफी सुलझी हुई थी। ऑनलाइन भारत के लिए समस्तीपुर से रतन शंकर भारद्वाज की रिपोर्ट। लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए ठकराहा प्रशासन शनिवार को सड़क पर काफी सख्त दिखी। अनावश्यक रूप से घूमने वाले बाइक सवार और राहगीरों के साथ साथ दुकान का शटर गिरा, बाहर बैठने वाले उसे कड़ाई से निपटा। वहीं आधा दर्जन बाइक सवार से सड़क पर ही उठक बैठक भी कराया गया और उनको सख्त हिदायत दिया गया कि अगली बार अगर वह अनावश्यक रूप से सड़क पर घूमते हुए पाए गए तो उनकी बाइक भी जब्त की जाएगी। जहां पर बाइक सवारों का चालान भी काटा गया और आगे से बिना काम नहीं घूमने की सख्त हिदायत दी गई। ठकराहा सीओ चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक कार्य को छोड़ किसी को घूमने की इजाजत नहीं है। लोग अपने घरों में ही रहें, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले। अनावश्यक रूप से घूमने वालों के साथ सख्ती से पुलिस पेश आएगी। ऑनलाइन भारत के लिए ठकराहा से धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र का है, जहां एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि हम लोग सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। सड़क पर बिना कार्य के घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी, आवश्यक दुकानें समय से खुलेंगी और समय से बंद होंगी। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जो भी दुकानें समय से बंद नहीं हो रही हैं, उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के आदेशानुसार गरीब निसहाय लोगों के लिए त्रिवेणीगंज प्लस दो उच्च विद्यालय में दिन एवं रात में निःशुल्क खाना खाने की व्यवस्था की गई है। जैसे रिक्शा चालक, ठेला चालक या अन्य कोई भी लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों के लिए प्रखंड स्तर पर खोले गए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। वहीं पुलिस प्रशासन भी सड़क पर जारी गाइडलाइन पालन करते नजर आ रहे हैं। सर, ये जनरल स्कूल में देख रहे हैं कुछ व्यवस्था है क्या? हाँ, कम्युनिटी किचन आज से शुरू हो गया है यहाँ पे प्रखंड लेवल पर। जो आदमी कहीं फंसे हुए हैं या जिनको खाने में दिक्कत हो रही है लॉकडाउन के कारण, तो हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। दो टाइम हम लोग दिन में और रात में दोनों टाइम भोजन का इंतजाम किए हुए हैं और लोगों को बुला के जो रिक्शा पुलर हैं, जो जिनको दिक्कत है खाने में, वो आके यहाँ पे खा सकते हैं। वो सरकार के स्तर से निःशुल्क व्यवस्था की। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा अभी लॉकडाउन तक तो पक्का चलेगा। इसके आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है, फिर सरकार का जैसा निर्देश आएगा उस हिसाब से फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी रोड पर देख रहे थे सर, जांच कर रहे थे। और रोड पे वो तो लॉकडाउन है, उसका नियम का पालन करना है। लॉकडाउन का मतलब है कि बिना मतलब के कोई गाड़ी वाला, घोड़ा वाला इधर उधर ना घूमे, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप बड़ा तेजी से फैल रहा है। चेन को तोड़ना है, इसके लिए हमारे हर जगह बैरियर्स, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी गश्तीशील हैं और इसका कड़ाई से अनुपालन हो, इसके लिए बीच बीच में मुझे भी निकल के अनुसरण करना पड़ता है। इसी दिशा में हम चेकिंग वेकिंग हर जगह हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, नहीं है या क्या स्थिति है, इसका आकलन करने के लिए जाँच वगैरह चल रही है। ऑनलाइन भारत के लिए जिला ब्यूरो शहबाज खान की रिपोर्ट। मंझौलिया समेत सिरसवा बाजार क्षेत्र में लॉकडाउन का पूरा असर देखने को नहीं मिला। प्रतिबंध के बाद भी हर तरह की दुकानें खुली रहीं और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह हवा हो गई। वहीं दुकानदार और आम लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे।
इसी बीच लॉकडाउन का पालन कराने उत्तरी मंझौलिया पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान कई दुकानों को सील कर दिया तथा लॉकडाउन का उल्लंघन करने मामले में सिरसेवा बाजार और मंझौलिया बाजार से कई कपड़ा व्यवसायी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। यह जानकारी प्रशिक्षु डीएसपी सह थाने अध्यक्ष अमित कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी बीच कपड़ा व्यवसायियों सहित अन्य को पकड़ कर थाना लाया गया है, जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि लॉकडाउन का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। आनंद भारत के लिए मंझौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल के दूसरे लहर के दौरान मौत की बात अगर करें तो बिहार की राजधानी पटना के बाद भागलपुर दूसरे नंबर पर है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल की बात अगर करें तो 700 बेड वाले कोविड अस्पताल से आज तक सैकड़ों मरीजों की मौत हो चुकी है और इस मौत का कारण अस्पताल ऑक्सीजन के लो प्रेशर से आपूर्ति माना जा रहा है। अलग बात है कि भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जवाब टालमटोल में दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से मौत के सरकारी आंकड़े बताए तो पिछले 24 अप्रैल से 7 अप्रैल तक तकरीबन 100 से ज्यादा कोविड मरीज की मौत हुई है। और अगर गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो भागलपुर के बरारी शमशान घाट के विद्युत सभागृह के रजिस्टर और गंगा किनारे जलाए जा रहे लाश की संख्या 400 से ज्यादा है, जो डोम राजा और विद्युत सभागृह के संचालकों के कहे अनुसार है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जेएलएन अस्पताल मायागंज में भागलपुर समेत 6 जिलों के कोविड मरीज भर्ती हैं। वहीं कोरोना मरीजों की मौत का सिलसिला भी जारी है। पिछले एक माह में सरकार ने इस कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में 100 मरीजों की मौत बताई है। वहीं इसमें 85 एवं 90 मरीजों की मौत का कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी बताई गई है। 5 मई को मायागंज अस्पताल में 14 मरीजों की मौत हुई है, इसमें भी मौत का कारण ऑक्सीजन बताया गया है। इन सब के बीच अस्पताल प्रबंधक का पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने का दावा भी दम तोड़ता नजर आ रहा है। एक और परिजनों का बेहतर इलाज न होने की शिकायत और 2 दिन पहले 2 डॉक्टरों की पिटाई व तोड़फोड़ की घटना भी ऑक्सीजन न मिलने के आरोप में ही हो गई थी। जाहिर सी बात है कि मरीजों को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उनका शरीर धीमी ऑक्सीजन सप्लाई को जरूरत के मुताबिक नहीं खींच सका और मौत हो गई। अस्पताल में पाइप से मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले ठेकेदारों ने 11 की बजाय 3 कर्मचारी रखे हैं, जो ठीक से सप्लाई की निगरानी भी नहीं रख पा रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, इमरजेंसी आदि में अभी तक 60% बेडों पर सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। जबकि भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि ऑक्सीजन लेवल घटने से मरीजों की मौत की बड़ी वजह देरी से एडमिट होने के कारण है। मरीजों की स्थिति कंट्रोल से बाहर होने पर परिजन उन्हें एडमिट कराते हैं, जबकि कहा जाए शहर से गांव तक के लोगों की मौत कोरोना से ज्यादा इलाज के अभाव में हो रही है। पर भी छापा किया, उसके बाद सरिसा बाजार में गया। सरिसा बाजार में सारी दुकानें, कुछ दुकानें खुली पाई गई, कुछ बंद पाई गई। खुली दुकानों का फोटोग्राफी भी मिली है और इसी क्रम में कुछ पब्लिक बाइक भी हमने पकड़ के थाना पर लाया है, उसका वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई के बाद गलत पाए जाने पर उसकी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोगों का चालान वालान भी काटा गया था, इस दौरान भी हमने वाहन चालान भी काटा है। क्या नाम है सर? आनंद भारत के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट, भागलपुर बिहार। मुंगेर में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़क पर उतरे पुलिस प्रशासन। आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन रहने के बावजूद भी बेपरवाह होकर लोग घूम रहे हैं सड़कों पर। वहीं मुंगेर पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है। इसी कड़ी में मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार, सीओ वंदना कुमारी, एएसडीओ वसीम अकरम व हरपुर थाना अध्यक्ष कमल किस्कू अपने दल बल के साथ लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के लिए सड़क पर उतरे। वहीं थाना अध्यक्ष कमल किस्कू ने बताया कि लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, इमरजेंसी होने पर ही घरों से बाहर निकले, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग जो बेपरवाह होकर सड़क पर घूम रहे हैं। वैसे लोगों को रोक कर पूछताछ की जा रही है और संतुष्ट नहीं होने पर चालान भी काटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 8 बाइक का 6000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है और मेरी लोगों से यही अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर निकलें। आनाइन भारत के लिए मुंगेर बिहार से रोहित कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को लेकर एक तरफ जहां बिहार सरकार ने लॉकडाउन जारी रखा है, उसी में आपदा राहत केंद्र जो कि दरभंगा के एमएलए सम कॉलेज में गरीब
तबके के लोग हैं, कहीं से बाहर से आ रहे हैं या हॉस्पिटलों में जिनके परिवारजन एडमिट हैं, उन सभी तक खाना पहुंचाने में दरभंगा प्रशासन लगातार तत्पर बना हुआ है। इसी के निरीक्षण में आज MLMS कॉलेज में पहुंचे अजय कुमार भू अर्जन पदाधिकारी, संस्कार रंजन, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, जिन्होंने वहां के किचन से लेकर के सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और ये आदेश दिया कि एक भी लोग भूखे ना रहे, इसको लेकर उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए। एक्चुअली यहाँ पे जो है अभी तो कोविड का आपदा है, उसके लिए लॉकडाउन लगा हुआ है बिहार सरकार की तरफ से। तो वैसे लोग जो जिनको रहने का कोई ये नहीं है, निःशक्त लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, तो ये राहत शिविर में आके खाना खा सकते हैं। और हम लोग या इसके माध्यम से सामुदायिक किचन है, इसके माध्यम से हम लोग अन्य जगहों पर भी खाना को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही है सर, सरकार का निर्देश के आलोक में ये कार्रवाई की जा रही है। आपका सर बैनर लगा हुआ है, न उसमें कोई एड्रेस है न कुछ है, तो फिर कैसे लोग यहाँ आके भोजन ग्रहण कर पाएंगे? नहीं, इसमें लिखा हुआ है, एड्रेस भले नहीं है, लेकिन हम लोग प्रचार प्रसार इसका करा के, और जो चिन्हित स्थल है जैसे कुछ अस्पताल है सकरी रोड में है, कुछ अस्पताल जो है हमारा रहमगंज में है, या ऐसे जो रैन बसेरा है लहरिया सराय में रैन बसेरा है, आपको और डिफरेंट जगह पर रेलवे स्टेशन पे जो है, तो यहाँ पे भी ले जाके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें लगभग 300-350 पैकेट डेली। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ 5 तारीख से हम लोग लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये केंद्रीय किसी या सामुदायिक किचन है, यहाँ पे यहाँ खाना बनता है, बैनर बाहर भी लगा हुआ है और धीरे धीरे प्रचार प्रसार भी हो रहा है, आज समाचार पत्र में भी आएगा। और जो आवश्यक सुधार करना है उसके लिए हम लोग निर्देश आप देख ही रहे हैं, दे रहे हैं, उसमें जो एड्रेस का आप जो बता रहे हैं उसको भी हम लोग उसको सुधार करें। R9 भारत के लिए सुमित झा, दरभंगा, बिहार। नरकटियागंज यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि मरीज और उनके परिजन जान बचाने के लिए अब एम्बुलेंस के बजाय ठेले पर अस्पताल पहुंचने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार शहर के शिवगंज वार्ड नंबर 7 दुनीलाल पासवान के 38 वर्षीय पुत्र चंदन पासवान को शनिवार की दोपहर अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिस पर परिजनों और स्थानीय युवा समाज सेवी हिमांशु चौरसिया उर्फ सनी ने एम्बुलेंस के लिए अस्पताल में फोन किया, लेकिन आधे घंटे तक अस्पताल कर्मियों द्वारा किसी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आनन फानन में मरीज के बेटे, पत्नी और आस पड़ोस के लोगों ने ठेले पर उसको लाद कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर और अस्पताल कर्मी मरीज को बिना देखे ही बेतिया रेफर करने की सलाह दी, लेकिन सनी चौरसिया पार्षद भोला शर्मा तथा कुछ लोगों की पहल पर इसका इलाज शुरू हुआ और ऑक्सीजन लगाया गया और समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचा ली गई। R9 भारत के लिए नरकटियागंज से दीपू साहा की।